किसान भरावो सत श्री अकाल, मैं प्रगट सिंह फसलों की जानकारी तो। मीह काफ़ी भारी पिया, बारिश काफ़ी भारी हुई है, काफ़ी फसलों का नुकसान भी होया जिहड़ियां पानी नूं नहीं सहार सकदियां, पर ज़्यादा एरिया तां झोने लग्या होया ते झोने वालिआं किसानां दे मन इन्ने कु ज़्यादा कमज़ोर हो चुके आ। कुछ सरकारां ने योगदान पाता, कुछ कंपनियां ने पाता, कुछ आपां घट मेहनत करके अपने आप नूं खोखला कर लिया कि कोई भी खदशा आपां नूं बहुत ज़्यादा वड्डा खदशा लगन लग जाता, घबराहट होने लग जाती है, आपको लगता कि फसल खराब ही ना हो जाए कितने, आप डर के जाने लग जाने। इस तरह ही जो हूँ बारिशों का पानी डंप होया तो कुछ एरिया के फ्लड वांगू हालात बने हैं, ज़्यादा भारी वर्खा हुई है, जोड़े झोने छोटे से डुब गए तो जोड़े व्डे झोने से उन्होंने पानी ज़्यादा भर गया। इस दे मुतलक ये वीडियो बना रहे हैं कि तुहानू की करना चाहिए। कई यूरिया पूरा हो गया, खाद खुराक पूरी हो गई, गेते झोने लगे से, डेढ़ महीने के हो गए, सारा प्रबंध होया पिया, झोना डुब गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर कई बार की हुंदा कि किसानां दे खदशे करके उन्हां नूं मार्केट दे विच जाना पैंदा है, उन्हां दे सके संबंधियों को, खास दोस्तों को, बाणियों को। मैं उन्हां नूं कदे भी गलत नहीं कहिंदा क्योंकि वह अपना काम कर रहे हैं, आपां आपदा काम सुहिरदता दे नाल नहीं कर रहे, आपां डर दे विच जिउं रहे हां ते बिजनेस लोकां नूं करन दा मौका दे रहे हां। जेकर तुहाडा झोना पानी दे विच डुब चुक्या, कोई घबराउण वाली गल नहीं, कोई खास गल नहीं हैगी, पहली बार नहीं डुब्या हैगा, तुसीं अपने खेतों का जायजा जिहड़ा 3-4 साल तो लै रहे हो उहदा रिकॉर्ड नहीं बनाया, इसे करके तुहानूं डर लगता हैगा। झोना सहार सकदा पानी, गर्म पानी ना होवे, तेजाबी पानी ना होवे, अक्सर मीह दा पानी है जिहड़ा वह घट पीएच दा हुंदा, 6, 6.5, 7, पर जिन्ना क प्रदूषण चल रहा मैनूं लगदा 7 दे नेड़े ही पीएच हुंदी है मीह दे पानी दी। अगर तां मीह दा पानी तां घबराउण दी लोड़ नहीं, 72 घंटिआं तों पहलां पानी घटना शुरू हो जूगा जां तुसीं कढ 'दिओगे। झोने दी डुब्बी हुई फसल नूं 1% नुकसान होण वाला नहीं हैगा, पर जदों छोटा झोना जिहड़ा बाहर ही नहीं देख रहा, जिहड़ा सारा पानी दे विच इक गिट्ठ उपर पानी चल रहा उस ते, तां अजिही कंडीशन दे वी तुहानूं घबराउण दी लोड़ नहीं हैगी। जेकर तुहाडीआं खादां पूरीआं हो चुकीआं तां भी घबराउण दी लोड़ नहीं हैगी, पर जदों ही तुहाडा झोना दिखना शुरू होगा वह ऑटोमैटिक अपनी एज एडजस्टेबल कर लूगा, ये उहदी एज थोड़ी जी वधूगी 5-7 दिन उस वरायटी के जिन्ने दिन बनते हैं। मान लो कोई वरायटी हैगी जिवें PR 124 है, वह 135 तो 140 दिन का समा लै जाती है, तो वह 7-8 दिन वधणगे जां वह वरायटी थोड़ी जी अपनी हाइट वधावेगी। ये झोने का करैक्टर आ, ये अपने वांगू नहीं जिउंदी कोई भी फसल कि आपां सवेरे उठते हाँ तो नवा खाना तैयार करते हैं, फिर वह खाने, फिर दुपहरे खाना, फिर शाम को खाना। जिहड़ी बनस्पति है ये आपदा भोजन फूड बैंक आपदे कोल रखदी आ, सूरज ना चढ़िया, भोजन ना बनिया, जां पानी च डुब गई, हनेरा हो गया, जां कोई होर कारण हो गया, कोई किसी तत् दी टॉक्सिटी हो गई, कि सैल डैमेज हो गए, जां किसी भी कारण करके बनस्पति कोल हमेशा जिहड़ी आ कुदरत कोल आपदा फूड बैंक मौजूद हुंदा। उन्हें आपदे बूटे के अंदर ही जड़ां दे विच, पत्तियां दे विच, सैलां दे विच, स्टोमेटा विच, जाइलम विच ये चीज़ नूं बना के रख्या हुंदा। तां तुसीं अपने खेतों का दौरा करते रहो, जिहड़ा पानी आ उहदा लैवल घट होण तक का इंतजार करो। जदों ही फसल तुहाडी आम फसल वांगू दिखनी शुरू हो जाती है तो उस ते तुसीं दलाल घोल का स्प्रे कर सकते हो, जिदे करके प्लांट की जाइलम फ्लोइंग एक्टिविटी ज़्यादा होगी, जिदे विच 2.5 किलो यूरिया, 2.5 किलो DAP, 150 ग्राम चिलेटड जिंक आउंदा, अलग अलग घोलना तिना। यह कोई एक साइंटिफिक नहीं है, किसी पेपर पबलिश नहीं होया कि तुसी ए स्प्रे करनी है। यह स्प्रे का करन का मतलब यह हैगा कि तुहाडे प्लांट दे विच जो भी डैमेज हुई है, जानू जो भी अगे रिकवरी दे लई फूड बनाउण दे लई मेन न्यूट्रीशन चाहिए वो तुसी प्रोवाइड कर सकते हो, वो एक तुसी झटके मैथड का भी प्रोवाइड कर सकते हो। पर जिहड़ी मेन गल आ कि इत्थे तुसी 500 ग्राम किलो वाला, 1/2 किलो वाला फंगीसाइड ना पायो, ठीक है, होर कोई तरीके। जे तुसीं पानी भी सुकाउणा हैगा तां जेकर तुहाडा कोई ज़्यादा एरिया 5-4 दिनां तक दे चल जाएगा, मैं आप डुब्बे देखे झोने के बाद दे विच, ओह झोनिआं दे विचों चंगे झाड़ भी आउंदे देखे आ, आम लोकां दे नालों उहनां दा समां झाड़ 1-2 क्वांटल वध आउंदा, क्योंकि वह वरायटी नूं खुराक भी पानी विच जिहड़ी घुली हुई है वह उपर ही मिल जाती है, जल्दी मिलती है, बाकी खेतों तो आए हुए न्यूट्रीएंट भी उस खेत नूं ज़्यादा मिलते आ। पर लोड़ आ समा संभालण की, लोड़ है
ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕੇਵੀਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਮਨਮੰਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟਿਵਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਹੈ, ਗੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਮੂੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੱਡਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇ, ਟੋਆ ਕਰਕੇ, ਬਰੇਤੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡਰੈਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਭੇਜਣਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਿਓ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੂਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਜਾਂ ਬੈਲ ਆਈਕਾਊਂਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।